हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकिसना ब्लॉग्स में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो जो आज होने वाले वो होने वाले टियागो ईवी और पंच ईवी के बारे में। इन दोनों का आज छोटा सा स्मॉल कंपैरिजन करने वाले, इन दोनों के वेरिएंट से लेके टॉप एंड तक हम सारा बेस टू टॉप हम कंपैरिजन करने वाले। एक छोटा सा कंपैरिजन, कोई स्पेसिफिक मॉडल कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ये एक लिटिल लिटिल सा कंपैरिजन होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना भूलें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टियागो ईवी की अगर मैं बात कर ले या फिर आप कह लो पंच ईवी जो लॉन्च हुई है, उन दोनों की अगर मैं प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो दोनों में ही प्लेटफॉर्म जो है वो काफी डिफरेंट मिलते हैं। जो कि टियागो ईवी जो मिलती है वो पंच पंच ईवी से काफी अलग है। इनका जो आप कह सकते हो जो इनका प्लेटफॉर्म है, पंच ईवी को फर्स्ट ऑफ ऑल रखा गया है, जो अभी इनका न्यू जो इलेक्ट्रिक के लिए अभी लॉन्च किया है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो जो आपको टियागो ईवी में डायमेंशन है वो मिल जाता है 3769 mm का, जबकि आपको पंच ईवी मिलता है 3857 mm का। अगर मैं विड्थ की बात कर लूँ, वहीं पे विड्थ जो मिल जाता है टियागो ईवी में 1677 mm, जबकि पंच ईवी मिलता है आपको 1742 mm। अगर मैं हाइट की बात कर लूँ तो 1536 mm आपको हाइट मिलती है टियागो ईवी में। पंच ईवी की बात कर लो तो उसमें आपको 1633 mm देखने को मिलती है। तो अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस भी यहाँ पे पंच कहीं ज्यादा है। टियागो ईवी में आपको मिल जाती है 2400 mm, जबकि आपको पंच ईवी मिलती है 2445 mm। तो आप देख सकते हो कि लेंथ की बात कर लिया, फिर विड्थ की बात कर लिया, या फिर हाइट की, या फिर व्हील बेस की ही क्यों ना बात हो जाए, यहाँ पे पंच ईवी जो है वो आगे निकल जाती है टियागो ईवी से। तो अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लूँ तो टियागो ईवी जो आपको मिल जाती है 165 mm की, जबकि अगर पंच ईवी की बात करूँ तो वो पेट्रोल से भी पंच ईवी ज्यादा मिलती है 3 mm, मतलब कि पंच ईवी में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो काफी ही अच्छा ऑफ रोडिंग आप अगर कर रहे हो तो बिल्कुल भी टच नहीं होने देगी। अगर मैं दूसरी चीज की बात कर लूँ जो आप कह सकते हो इंजन की बात कर लूँ, इसमें तो बेसिकली इंजन होता नहीं, मोटर की बात कर लूँ, मोटर की जो पावर है अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसकी पावर भी काफी ही ज्यादा है टियागो ईवी के मुकाबले। जो पावर है टियागो ईवी में मिल जाती है आपको 60 bhp जो बेस वेरियंट है, या फिर आप कह सकते हो जो मीडियम रेंज वाला है, और इसकी जो टॉर्क है वो 110 Nm की होती है, जबकि पंच ईवी में आपको जो मीडियम रेंज की अगर मिलती है तो उसमें आपको 80 bhp की पावर मिलती है, जो कि 114 Nm की टॉर्क मिलती है। अगर मैं वहीं पर लॉन्ग रेंज की बात कर लूँ तो टियागो ईवी में 64 bhp और 114 Nm का टॉर्क मिलता है लॉन्ग रेंज में। अगर मैं पंच ईवी की बात करूँ तो इसमें आपको लॉन्ग रेंज में 120 bhp और 190 Nm का टॉर्क मिलता है। तो आप देख सकते हो काफी ही डिफरेंट है इन दोनों पावर्स में। अगर वहीं पे अगर मैं इसकी बैटरी पैक की बात करूँ तो बैटरी पैक आपको टियागो ईवी में 19.2 kW का मिलता है मिडिल वेरियंट में, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल रेंज में, जो इसका मीडियम रेंज आता है। अगर पंच ईवी की बात करें तो इसी में आपको 25 kW का देखने को मिलता है मीडियम रेंज में। वहीं पे अगर मैं इसके लॉन्ग रेंज की बात कर लूँ तो टियागो ईवी में 24 kW का मिलता है, जबकि पंच ईवी में 35 kW का मिलता है लॉन्ग रेंज में बैटरी पैक। वहीं अगर मैं रेंज की बात कर लूँ तो रेंज भी आपको पंच ईवी में ही ज्यादा देखने को मिलेगा, तो टियागो ईवी में आपको मिलता है 250 किलोमीटर का मीडियम रेंज में। अगर लॉन्ग रेंज की बात कर लूँ तो 315 किलोमीटर का आपको रेंज देखने को मिलता है, जो कि सर्टिफाइड है। अगर पंच ईवी की बात कर लूँ तो पंच ईवी में आपको मीडियम रेंज में 315 किलोमीटर का मिलेगा, जबकि अगर मैं इसका लॉन्ग रेंज की बात कर लूँ तो उसमें आपको 421 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है। तो आपने ओवरऑल यहां तक तो हो गए सारी बात, अब आती है प्राइस। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी काफी ही अच्छा रखा गया पंच ईवी का, जो कि टियागो ईवी जो है वो 8.69 लाख से शुरू होकर 12.04 तक जाते हैं एक्स शोरूम। वहीं अगर मैं पंच ईवी की बात कर लूँ तो वो शुरू जाते हैं 10.99 लाख से, जबकि उसका टॉप एंड मॉडल जाता है वो जाता है 15.49 लाख तक। तो ये थी एक मेरा छोटा सा लिटिल लिटिल कंपैरिजन वीडियो। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट में जरूर बता, और वीडियो को लाइक करना भूले, सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही जल्द इसकी एक डिटेल वीडियो जरूर आने वाली है पंच ईवी और टियागो ईवी के मेनली बेस वेरियंट और टॉप वेरियंट का कंपेरिजन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगेन थैंक यू सो मच।